In this video, we will see an easy trick to remember the whole specific relay factor and a quick revision of this whole specific relay factor. So without wasting your time, let's get started. पहले तो देखते हैं इसका introduction क्या है. The specific relay factor का enforcement date है 1st of March 1964. Okay, so this is the important one. You have to remember the date. Then इसके part है 3, chapters है 8 and sections है 44. Okay, so I have made a chart. आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा. सो इस चार्ट के थ्रू आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखने वाले हैं. सो पार्ट वन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है प्रिलिमिनरी वन, विच इंक्लूड्स सेक्शन 1-4. ओके, पहले वो देखते हैं. सेक्शन वन ये बोलता है कि ये एक्ट इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है. उसका एनफोर्समेंट डेट हमने देखा 1st of March 1964. ओके, डेफिनेशन पार्ट दिया है, वो आपको पढ़ के भी समझ में आ जाएगा. थर्ड वन सेक्शन थर्ड सेविंग के बारे में बोला है. और सेक्शन फोर विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन विच टॉक्स अबाउट, ये सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट के ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग पिनल लॉज. पिनल लॉज मीन्स क्रिमिनल जैसे CRPC एविडेंस, इसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, इंडिविजुअल सिविल राइट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर सेक्शन फोर. ओके, सो ये हो गया प्रिलिमिनरी के बारे में. अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फर्स्ट चैप्टर रिकवरी ऑफ पजेशन के बारे में है. उसमें 4 सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं, सेक्शन 5-8. ओके, बट मैंने यहाँ पे एक डिवीजन किया है इसका. सेक्शन 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी ऑफ पजेशन के बारे में बोलता है और सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी के पजेशन के बारे में बोलता है. इन सिंपल वर्ड सेक्शन 5 यही बोलता है कि अगर आपके पास टाइटल होगा, आप ओनर होगे, तो आप स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर कर सकते हैं. सो इन अ मैनर विच इज प्रोवाइडेड अंडर CPC के अकॉर्डिंग आप सेक्शन 5 के थ्रू पोजेशन रिकवर कर सकते हैं. सिमिलरली सेक्शन 7 भी यही बोलता है, ओनली इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 5 इमोबल प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है, सेक्शन 7 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है. ओके, सेक्शन 6 अब देखते हैं. सेक्शन 6 में ये बोला है कि कुछ कंडीशंस भी है, अगर आपके पास टाइटल नहीं है और किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पजेशन है, तब आप सूट फाइल कर सकते हैं अगर आपको डिस्पोजेस किया होगा किसी पर्सन ने विदाउट द कंसेंट. ओके, विदाउट द कंसेंट, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तब आप सूट फाइल कर सकते हैं पोजीशन रिकवर करने के लिए. बट इसमें भी कुछ कंडीशंस है. यू मस्ट हैव टू फाइल अ सूट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months यू कैन नॉट फाइल द सूट. ओके, देन सेकेंड कंडीशन है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सूट फाइल नहीं कर सकते. और अगर इस सेक्शन के थ्रू कोई डिक्री आ रही है तो उसके ऊपर अपील भी नहीं आएगा और रिव्यू भी नहीं होगा. ये कंडीशन दी है. रिवीजन इज परमिसिबल. और क्लॉज 4 सेक्शन 6 का ये बोलता है कि नो बार टू सेक्शन 5. मतलब सेक्शन 5 में जैसे आपके पास टाइटल आप क्रिएट करके सूट फाइल कर सकते हैं, तब ये कंडीशन उसके ऊपर कुछ लागू नहीं होगी. तो ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में. अब देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का. तो सेक्शन 7 और 8 टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 7 हमने देखा है ऑलरेडी. सेक्शन 8 यही बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ पर्सन हु इज नॉट अ ओनर. सो जो ओनर नहीं है उसकी लायबिलिटी क्या है? अगर एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति के पास मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन है और वो ओनर नहीं है, तब कोर्ट मे कंपेल हिम टू डिलीवर इट टू द पर्सन हु इज द ओनर. ओके, सो इस केसेस में कोर्ट कंपेल कर सकता है. सो व्हाट आर दोस केसेस? अगर डिफेंडेंट एजेंट होगा तो और ट्रस्टी होगा तो. सेकेंड, अगर कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट, कंपनसेशन उसका एडिक्वेट नहीं होगा तो, और उसका डैमेजेस असर्टन करना डिफिकल्ट हो गया होगा तो. और फोर्थ कंडीशन है अगर वो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गई हो प्लेंटिफ से, उस केस में कोर्ट कंपेल कर सकता है उस पर्सन को कि इमीडिएट पोजीशन देने के लिए जो ओनर है उसको. ओके, ये हो गया सेक्शन 5-8 के बारे में. नाउ
सेकेंड चैप्टर दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो उसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शन यही है सेक्शन 10 विच सेज दैट आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये ग्रांट करना मैंडेटरी किया है. मतलब कोर्ट को कोर्ट शाल एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके बट ये मैंडेटरी तो किया है बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. उसके भी कुछ एक्सेप्शन है दैट इज सेक्शन 11 सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16. 11 का क्लॉज 2 11 यही बोलता है कि ट्रस्ट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो स्पेसिफिकली एनफोर्स होगा. बट सेकेंड क्लॉज यही बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर. मतलब ट्रस्टी ने उसके पावर एक्सीड करके कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और उसने ट्रस्ट ब्रीच किया होगा तो उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जाएगा. सेक्शन 14 में कुछ लिस्ट दी गई है. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट वन इज दैट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है हम देखने वाले हैं. सेकेंड इज दैट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा जहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी है और कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है उस केस में. देन थर्ड इज दैट पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में. फॉर एग्जांपल ले लो कि पेंटर है, पेंटर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका वो पर्सनल क्वालिफिकेशन है. अगर उसके हाथ टूट गए तो वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो जाएगा क्योंकि इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशन. फोर्थ वन इज दैट नेचर डिटरमाइनेबल. मतलब वो नेचुरली ही एंड हो रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होगा. ये हो गया सेक्शन 14. सेक्शन 16 में ये बोला है कि पर्सनल बार टू रिलीफ. मतलब ऐसे कौन से पर्सन है उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं ले सकते. सो फर्स्ट वन इज दैट पर्सन हु हैज ऑब्टेन अ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट देखा हमने इसमें वैसे ही अगर उस व्यक्ति ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया होगा तब वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा. देन अगर वो पर्सन इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग होगा जैसे हमने देखा पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में पेंटर के हाथ टूट गए तो वो इनकैपेबल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तब उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होगा. अगर वो फ्रॉड हो रहा है वहाँ पर तभी भी नहीं होगा. और फोर्थ ये बोलता है कि फेल टू प्रूव रेडी एंड विलिंग परफॉर्म. अगर उसने रेडी एंड विलिंगनेस प्रूव नहीं किया होगा तब उस केस में भी आप स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते. मतलब कोर्ट आपको वो ग्रांट नहीं करेगा. ये थे सेक्शन 11 टू 16 विच इज़ द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 10. तो हमने ये पार्ट कंप्लीट किया है सेक्शन 10 वाला, सेक्शन 11, 14 एंड 16 वाला. और सेक्शन 15 एंड 19 ये बोलता है कि कौन से ऐसे पर्सन है वो कैन ऑब्टेन अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. एंड सेक्शन 19 में लिस्ट दी गई अगेंस्ट वुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑब्टेन. तो आपको पढ़ के भी वो समझ में आ जाएगा. अब डायरेक्टली जाते हैं सेक्शन 20 के ऊपर दैट इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इन ईजी लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन टू यू. यस In case of breach of contract, substituted performance of contract means to get a contract performed from third party or through his own agency. मतलब contract जब breach होगा तब substituted performance of contract आप ले सकते हैं from third party means तीसरे party से और through his own agency. जैसे मान लो for example इस person ने इस person के साथ contract किया है building construct करने का within 6 months. Okay? सो कॉन्ट्रैक्ट किया है बट आफ्टर द 3 months दिस पर्सन इज डिनाइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ओके सो ये ब्रिज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ये पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए. सो इसके पास सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का राइट अराइज होता है. सो ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस लेकर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर सकता है फ्रॉम थर्ड पार्टी दैट इज सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. बट कब ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ही मस्ट गिव अ नोटिस इन राइटिंग 30 days नोटिस फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रिच. ओके इसको इस पर्सन को 30 days की नोटिस देनी है और
30 डेज नोटिस देने के बाद भी ये ब्रीच कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट, तब वो सब्सिट्यूटर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ कर सकता है. ओके, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब्सिट्यूटर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका इसके पास राइट है डैमेजेस और लॉस कोई होगे उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से, तब वो क्लेम कर सकता है इस पर्सन के अगेंस्ट. ओके, सो इन सिंपली सब्सिट्यूटर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही बोलता है. ओके, दैट इज सेक्शन 20. सो अब देखते हैं सेक्शन 28, 20B एंड 26, विच इज इंक्लूडेड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2018. ओके, सो सेक्शन 20A सिंपली यही बोलता है कि कोर्ट शैल नॉट ग्रांट इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. अगर कोई केस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, सो उस केस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा. तो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये बेयर एक्ट की लास्ट में शेड्यूल में लिस्ट दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन से हैं. जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट, वाटर सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. नाउ सेक्शन 20 ये बोलता है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केसेस है, तब स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, क्या कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस केस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए. ओके, देन सेक्शन 20C में टाइम पीरियड दिया है कि जो भी कुछ सूट आएंगे इस एक्ट के थ्रू वो 12 मंथ में डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो कोर्ट ने एक्सटेंड 6 मंथ एग्रीगेट. ओके, तो ये हो गया सेक्शन 20A to 20C. अब देखते हैं रेमेडी इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो सेक्शन 21 to 24, सेक्शन 21 to 24 ये बोला है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एडिशन में आप कौन से रेमेडी ले सकते हो. सेक्शन 21 में बोला है कि कंपनसेशन, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एडिशन में आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो. ओके, यही सेक्शन 21 में दिया है. सेक्शन 22 ये बोलता है कि अदर रिलीफ, लाइक सपोज पजेशन है, पार्टीशन है, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी है, ये भी आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 23 में यही बोला है कि नो बार ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इफ लिक्विडेटेड डैमेजेस आर गिवन. ओके, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं अगर लिक्विडेटेड डैमेज भी दिए होंगे तो. ओके, वहाँ पे कोई बार नहीं आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए. सेक्शन 24 में ये बोला है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस किया है तो आप कंपनसेशन के लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते. ये सेक्शन 24 में दिया. ये हो गया सेकेंड चैप्टर विच इज़ अबाउट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फ्रॉम सेक्शन 9 to 25. ओके, अब देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रेक्टिफाई मीन्स टू करेक्ट द एनी इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो ये बोला है कि इस सेक्शन में वेंट थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक, अगर पार्टीज के फ्रॉड और मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट उसका रियल इंटेंशन ही एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, तो उस केस में कोर्ट में इन इट डिस्क्रिएशन रेक्टिफाई द इंस्ट्रूमेंट. डिस्क्रिएशन है कोर्ट की, वो रेक्टिफाई इंस्ट्रूमेंट कर सकता है. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा. ये रेक्टिफिकेशन के बारे में बोलता है. अब देखते हैं रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वी कैन से कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो सेक्शन 27 में ये बोला है कि ये कब एडजर्ज किया जाता है और कब ये रेफ्यूज किया जाता है, मतलब कब वो अलाउ किया जाता है. सो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है कि वेन कोर्ट में रिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट. सो फर्स्ट इज दैट दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड टर्मिनेबल. ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और टर्मिनेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, तब कोर्ट रेसेशन ग्रांट कर सकता है. सेकेंड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट अगर अनलॉफुल है एंड इट इज नॉट अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड टू विच डिफेंडेंट इज मोर ब्लेम दैन प्लेंटिफ, डिफेंडेंट पे ज्यादा ब्लेम हो रहा है प्लेंटिफ से, उस केस में कोर्ट रिजाइन कर सकता है. और ऐसे कौन से केसेस है जब वो रेफ्यूज किया जाएगा. सो फर्स्ट इज दैट प्लेंटिफ ने क्या किया होगा, एक्सप्रेसिव और इंप्लाइडली रेटिफाई किया होगा कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट गलत भी होगा तब भी उसने रेटिफाई किया होगा कि ठीक है. ओके, सेकेंड केस है, पार्टीज कैन नॉट सब्सटेंशियली टू रिस्टोर टू ओरिजिनल पोजीशन, अगर पार्टीज ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर नहीं हो सकती उस केस में वो रेफ्यूज किया जाएगा. थर्ड इज दैट थर्ड पार्टी इन गुड फेथ विदाउट नोटिस, मतलब उसको पता ही नहीं हो थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा उसके ऊपर इन गुड फेथ, तब उस केस में भी कोर्ट रेफ्यूज कर सकता है.
एंड अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल मतलब सेवरेबल भी नहीं होगा तब उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर सकते हैं. ओके दिस इज बोला. बट 29 बोला है कि अल्टरनेटिव प्रेयर, अल्टरनेटिव प्रेयर भी आप ले सकते हैं रेसेशन के अलावा भी. मतलब रेसेशन नहीं हो रहा है तो अगर कंपनसेशन दे तो ऐसा होता है प्रेयर. ओके और सेक्शन 30 बोलता है कि इक्विटी आफ्टर द रेसेशन कोर्ट मे डायरेक्ट द पार्टीज टू डू इक्विटी. ओके पार्टीज को इक्वल पोजिशन में लाने के लिए कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है. ये हो गया रेसेशन के बारे में. अब रेसेशन के बाद में हम देखते हैं कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलता है सेक्शन 31 टू 33. सो सेक्शन 31 में बोला है कि व्हेन मतलब कैंसिलेशन कब ऑर्डर किया जा सकता है. सो एनी पर्सन अगेंस्ट वो कि वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड ऑफ वॉइडेबल है और अगर वो वैसे ही रहने दिया तो वो कॉजेस इंजुरी टू हिम ही मे इंस्टीट्यूट अ सूट देन ही मे इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके सो कोर्ट उसके डिस्क्रिएशन पर इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर सकता है. 32 में यही बोला कि पार्शियल कैंसिलेशन भी हो सकता है मतलब सेपरेबल होगा तो उसका पार्शियल मतलब अदर पार्ट कैंसिल करेगा और अदर पार्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकता है. ओके ये हो गया सेक्शन 32. अब सेक्शन 33 में जैसे 30 में देखा था हमने वैसे ही 33 में ये बोलता है कि रिस्टोर बेनिफिट. ओके कोर्ट में डायरेक्ट द पार्टीज टू रिस्टोर बेनिफिट और मेक अ कंपनसेशन. ये 33 बोलता है. तो ये था कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में. अब देखते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री. सो डिक्लेरेटरी डिक्री यही बोलता है 34 एंड 35 सेक्शन टॉक्स अबाउट द डिक्लेरेशन. 34 में ये बोला है कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है मतलब अगर कोई पर्सन आई विल एक्सप्लेन टू यू इन सिंपल लैंग्वेज. यस 34 में यही बोला है कि कोर्ट मे ग्रांट डिक्लेरेटरी डिक्री व्हेन एनी पर्सन अगर किसी पर्सन का लीगल कैरेक्टर और राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी अराइज हो रहा है बट कोई पर्सन उस राइट को और लीगल कैरेक्टर को डिनाय कर रहा है तो वो सूट फाइल कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट कि डिक्लेरेशन डिक्री लेने के लिए. ओके बट यहाँ पे एक प्रोविजन है लाइक नो डिक्लेरेटरी डिक्री इफ प्लेंटिफ सीक फर्दर रिलीफ बट ओनर्स टू डू. सिर्फ डिक्लेरेटरी डिक्री ही नहीं दे सकते उसके अलावा भी कुछ रिलीफ होगा तो वो क्लेम कर सकता है. ओके और 35 में इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री बोला है कि क्या होगा उस डिक्री का इफेक्ट. तो वो बाइंड करेगा पार्टीज टू द सूट जो पार्टीज होगी सूट में उसके ऊपर और पर्सन वो जो क्लेम कर रहा है और ट्रस्टी के ऊपर भी वो बाइंड करेगा. यही बोलता है डिक्लेरेटरी डिक्री. तो ये था हमारा डिक्लेरेटरी डिक्री का भी कंसेप्ट. हमने देखा पार्ट 1 प्रिलिमिनरी वाला और पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ वाला. अब हम डायरेक्टली जाते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ के पास. सो व्हाट इज प्रिवेंटिव रिलीफ फ्रॉम सेक्शन 36 टू 42 व्हिच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ. तो उसमें सेवेंथ चैप्टर है दैट इज सेक्शन 36 एंड 37. 36 में कि कौन से प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट किए जाते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन एंड परपेचुअल इंजंक्शन. ओके 36 में यही इंट्रोडक्शन बोला है कि वो ग्रांट किए जाते हैं. 37 में डेफिनेशंस दी है टेम्पररी इंजंक्शन की और परपेचुअल इंजंक्शन की. सो व्हाट इज टेम्पररी इंजंक्शन हम देखते हैं कि ये टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ग्रांट किया जाता है. ओके सो ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ग्रांट किया जाता है और अंटिल द फर्दर ऑर्डर के लिए और ये रेगुलेट किया जाता है सीपीसी के थ्रू. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सीपीसी 39 टॉक्स अबाउट द टेम्पररी इंजंक्शन. उसके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट हो जाएगा. ओके और परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है ये सेक्शन 38 में दिया है कि वो कब ग्रांट किया जाता है. सो टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन तब परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है. सेकंड अगर डिफेंडेंट क्या कर रहा होगा प्लेंटिफ को थ्रेटन करना होगा उसके राइट को इन्वेड करने के लिए तब कोर्ट मे गिव पीआई इन फॉलोइंग केसेस. ओके सो केसेस है उस केस के अकॉर्डिंग कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है. फर्स्ट केस इज दैट अगर डिफेंडेंट क्या होगा ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी होगा. सेकेंड इज दैट अगर उसके डैमेजेस असर्टन करना मुश्किल है दैट इज नो स्टैंडर्ड टू असर्टन एक्चुअल डैमेजेस उस केस में. और थर्ड इज दैट कंपनसेशन इन मनी नॉट एडिक्वेट रिलीफ होगा. फोर्थ वन इज दैट इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग. ओके प्रोसीडिंग की मल्टीप्लिसिटी प्रिवेंट करने के लिए वो ग्रांट किया जाता है परपेचुअल इंजंक्शन. ओके परपेचुअल इट मींस दैट अ परमानेंट इंजंक्शन मतलब किसी व्यक्ति को परमानेंटली स्टॉप करना कोई एक्ट करने के लिए और कोई एक्ट ना करने के लिए उसे इंजंक्शन हम बोलते हैं. ओके और 41 में यही दिया है कि कौन से ऐसे केसेस है जब परपेचुअल इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है. आई थिंक आपको वो पढ़ के भी समझ में आ जाएगा. और सेक्शन 42 में ये बोला है कि अगर कोर्ट
नॉट कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव एग्रीमेंट करने के लिए वो कंपेल नहीं कर सकता है, तो उसको तो वो नेगेटिव एग्रीमेंट परफॉर्मेंस करने के लिए एनफोर्स कर सकते हैं. सो इट डज नॉट प्रिक्लूड कोर्ट फ्रॉम एनफोर्सिंग परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव एग्रीमेंट. यही सेक्शन 42 में बोला है. एंड 43 एंड 44 आर रिप्लेस सेक्शन. सो ये था हमारा पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और कुछ सेक्शंस मैंने स्किप किए हैं, सो मुझे लगता है कि वो करके भी समझ में आ जाएंगे. सो इस चार्ट के थ्रू आप ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं और इसका क्विक रिवीजन भी इजीली हो सकता है इस चार्ट के थ्रू. आई होप आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे.